आपका स्वागत है न्यूज इंडिया तक में और मैं हूं आप सभी के साथ फहीम खान। आपको बताते चले भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 64वें पुण्यतिथि पे आज मुफस्सिल थाना समीप स्मृति पार्क में रक्तदान किया गया। कुछ लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे क्या उद्देश्य था इसके पीछे। सबसे पहले अपना परिचय दें आप। मेरा नाम साहिल मकसूद है, डिस्ट्रिक्ट ब्लड डोनर टीम का मैं संस्थापक हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट ब्लड टीम 4 साल से काम कर रही है सोशल वर्क पे। जो लाचार लोग हैं उनको ब्लड मुहैया कराती है निस्वार्थ भाव से, रात दिन जब भी जरूरत पड़ती है वैसे लोगों को ब्लड देती है। आज बहुत खुशी की बात है, बाबा साहब के पुण्यतिथि पे रक्तदान शिविर का आयोजन भीम आदमियों के द्वारा रखा गया था, जिसमें 8 रक्तवीरों ने अपना रक्तदान किया था। मैं उनको जज्बे को सैल्यूट करूंगा कि मैं आने वाले समय में हर ऐसे मौके पर रक्तदान शिविर हो। सिवान के लोग को मैं जागरूक करना चाहूंगा कि आप लोग रक्तदान करेंगे तभी समय पर किसी की जिंदगी बचाई जाएगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए महिला मेंबर भी हैं इस ग्रुप में, हम इनसे बातचीत करेंगे। अपना परिचय दें। जी मेरा नाम सारिका भारती है। जी सारिका भारती जी, ये बताया कि यहाँ पे कितने यूनिट ब्लड लोगों ने डोनेट किया है? अभी तकरीबन 100 यूनिट ब्लड डोनेट हो चुकी है। ये कार्यक्रम तकरीबन 1 बजे से लेकर के अभी शाम के टाइम तक अभी तक चल रहा है। और हमारा ब्लड डोनेशन टीम करने का यही पर्पस है कि हम काफ़ी जो ब्लड से पीड़ित, जैसे कि थैलेसीमिया से रोग जो होता है उसे पीड़ित बच्चे होते हैं जो जिनके शरीर में ब्लड नहीं बन पाता है, तो उनको हम ये ब्लड दे सके ताकि उनकी ज़िंदगी बचाई जा सके। किस तरह के लोगों को आप लोग ब्लड डोनेट करते हैं यहाँ से ले जाने के बाद? यहाँ से ले जाने के बाद जो काफ़ी लाचार लोग हैं, जो कि काफ़ी बहुत ज्यादा रोग से पीड़ित हैं, थैलेसीमिया के रोग से पीड़ित हैं, उनको हम लोग ये ब्लड देते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ ब्लड डोनेट किए, हम उनसे भी बात करेंगे कि ब्लड डोनेट करने के बाद लोग कहते हैं कि चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ जो हमारे साथ युवा है इनके चेहरे पे बहुत मुस्कान नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आज आपने ब्लड डोनेट किया है? कैसा लग रहा है? आप सभी को बोलेंगे नमो बुधाय जय भीम। बाबा साहब के 64वें पुण्यतिथि पे मैं बहुत खुश हूँ ब्लड डोनेट करके, क्योंकि मैं चाह रहा था, मैं पहली बार दिया हूँ, मैं फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट किया हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ। और मैं चाहूँगा सभी को, सभी युवाओं को प्रेरित करना चाहूँगा कि सभी लोग अपना ब्लड दे, और ब्लड देने से बहुत सारे फायदे हैं। नया ब्लड बनता है, चेहरे पे ग्लो आएगा, उसके कोई बीमारी जल्दी नहीं होता। लेकिन लोग बड़ा डरते हैं ब्लड डोनेट करने समय, आपको डर लगा या नहीं लगा? आज मैं डर, पहले मैं डरता था कि मान लें क्या होगा फर्स्ट टाइम दूंगा तो, लेकिन अभी मैं दे करके बहुत ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का आज पुण्यतिथि था, और क्या कुछ कहेंगे आज इस कार्यक्रम को लेकर के, यहाँ रक्तदान हुआ, इन सब चीज़ों को लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? पहले तो मैं आप तमाम सोशल मीडिया से जुड़े और जो मीडिया के सच्चे लोग हैं, जो संविधान की बात कर रहे हैं, उनको जय भीम मिला सलाम कहना चाहता हूँ। और आज परिनिर्वाण दिवस है बाबा साहब का, बाबा साहब की मृत्यु हुई थी यार, और बाबा साहब ने इस देश को विश्व का सबसे सुनहरा संविधान सौंपा था, ताकि यहाँ के लोग प्रबुद्ध भारत और सोने की चिड़िया जैसा यह देश बनाए। लेकिन आज संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, आज हम यहाँ पर खड़े हैं और हमारा किसान जो हमको अन्न देता है वो लड़ रहा है, तो ज़रूरत है कि उसके साथ हमें लड़े और संविधान के साथ हम खड़े रहें। और ब्लड डोनेशन की बात रही तो यहाँ पे तमाम संगठन के लोग हैं, भीम आर्मी के लोग हैं, उन्होंने मिल के ये तमाम प्रोग्राम किया, ब्लड डोनेशन का काम किया है। और ब्लड डोनेशन देखिए, रक्तदान सबसे बड़ा दान होता है। अगर आप धार्मिक हैं और इन तमाम चीज़ों को मानते हैं, दान की बात मानते हैं, तो रक्तदान जरूरी है, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा दान रक्तदान। देखिए आपने किसानों की बात कही तो 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान है, क्या लग रहा है भारत संपूर्ण तौर से बंद हो पाएगा? देखिए पहले तो भारत के लोगों की जमीर जागनी चाहिए, जिन लोगों के खून पसीने से एक एक दन अन्न हमारे घर में पहुंचता है, और एक छोटा सा बच्चा जो मासूम बच्चा होता है भूखा रहता है और वो पापा कहकर कहता है मुझे खाना चाहिए, वो भी किसान का ही दिया हुआ खाना है। आप पैसा कितना दे दीजिए, अगर चावल नहीं हो तो पैसे से आपका पेट भरेगा? बताइए, तो ज़रूरत है कि ऐसे आंदोलनों को ऐतिहासिक दर्ज कराइए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया तक पे
यहाँ अभी हम सिवान के मुफस्सिल थाना समीप स्मृति पार्क में है और यहाँ पे ब्लड डोनेट किया गया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 64वें पुण्यतिथि के अवसर पे। यहाँ भीम आर्मी के जो लोग थे उन्होंने आज यहाँ पे रक्तदान किया है, तो हम तमाम दर्शकों को भी कहते हैं कि आप अगर एक यूनिट ब्लड डोनेट करते हैं तो शायद उस एक यूनिट ब्लड से किसी दूसरे की जान भी बच सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ अपने सहयोगी कैमरामैन जावेद के साथ। मैं हूँ फहीम, न्यूज़ इंडिया।